टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, सिंपल है, टॉपिक से पता लग रहा है कि एक बॉडी है और वो रोल कर रही है। रोल करने का मतलब है कि वो घूम भी रही है और नीचे भी आ रही है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से उसको छोड़ दिया गया और वो नीचे आ रही है रोल करती हुई। इस टॉपिक को हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, जरा पहले वाले टॉपिक्स को एक बार देख लें हमने अभी तक क्या किया। अगर आप चैप्टर फोर्स में वापस चलो मेरे साथ, तो हमने इंक्लाइन प्लेन उसमें सीखा। फोर्स के अंदर हमने क्या किया था, फोर्स में ये किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम, और फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करती हैं, तो आप मेरे को आंसर ऐसे दे सकते हो। तो फोर्स के अंदर कुछ ऐसे केस बनेगा, ये एम जी है, ये थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है, और ये एम जी साइन थीटा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन है। और मेरा क्वेश्चन ये है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बॉडी नीचे स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, तो इसकी स्लाइड करने की एक्सेलरेशन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको पता है क्या आंसर है, जी साइन थीटा, क्योंकि कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा को एम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, नीचे आने की एक्सेलरेशन। अब पॉइंट ये है, जब हमने चैप्टर फोर्स किया था, ये बक्सा छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, तो मैं तो कहता हूं पॉइंट मास ही बना दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन्स सेम, क्योंकि फोर्स के अंदर शेप मैटर करती नहीं है, हम पॉइंट मास ही लेते हैं। तो कोई कहता क्या आपने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाली, सेंटर ऑफ मास तो उसका लेंगे जब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, जब पॉइंट मास ही है उसका क्या सेंटर ऑफ मास होगा, वही तो कुछ सेंटर ऑफ मास है, तो हम बोल सकते हैं ली सेंटर ऑफ मास की, लेकिन बोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि पॉइंट मास है, फर्क नहीं पड़ रहा था कोई भी, तो ये आंसर आया था। फिर मैंने एक और काम किया इसमें, अगर आपको याद हो, फिर मैंने इसमें एक चैप्टर करवाया जिसका नाम क्या था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या थी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और मेरा क्वेश्चन है, अगर फ्रिक्शन लेनी है तो एक्सेलरेशन क्या होगी विद फ्रिक्शन, नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा, ऊपर की फोर्स म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज एम इंटू एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या कहा था, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली, आंसर आ गया। यानी कि स्लाइडिंग के अंदर आप ये देखते थे कि फ्रिक्शन लेनी है या फ्रिक्शन नहीं लेनी, दोनों में एक्सेलरेशन डिफरेंट है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये तो हमने किया स्लाइडिंग का केस या ओनली ट्रांसलेशन का केस। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये नहीं करने जा रहे, हम ये करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल ऑफ थीटा इंक्लाइंड है, और आपके पास जो एक बॉडी है वो क्या है, वो रिंग डिस्क स्फेयर कुछ भी है, और वो बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है। अगर ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको कैसे दिख रहा है, कैसे मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन है, जब ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी, रोल करती हुई नीचे आएगी, इसका एक्सिस है रोल करने का, इसका एक्सिस ऐसे इसके अबाउट घूम रही है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी या चेंज होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है कि बढ़ती हुई आएगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट से कैसे आएगी, जितनी हाइट से गिरोगे रोलिंग बढ़ती जाएगी। तो यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, नीचे आते हुए एक्सेलरेट करेगा, और मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक, तो ये टॉपिक क्या है समझ में आ रहा है। तो ये काम तो हमने फोर्स में भी किया, फ्रिक्शन में भी किया, अब हम रोलिंग में करेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन, रोलिंग में जैसे स्लाइडिंग में मैंने दो केस बनाए अभी इससे पहले, फ्रिक्शन लूं या ना लूं, लूं तो एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ना लूं तो डिफरेंट है। रोलिंग में क्या दो केस बनेंगे, फ्रिक्शन लेनी है या नहीं लेनी, लेनी लेनी है फ्रिक्शन कि छोड़ दें फ्रिक्शन चलेगा, चलो फ्रिक्शन छोड़ देते हैं, फिर रोल कैसे करेगी,
क्यों? कोई कहता है क्यों नहीं करेगी, पहाड़ पे जाके अगर मान लो कोई, अगर मान लो बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, रोल कर दो, लुढ़कती हुई नीचे आएगी, ऐसे कैसे आएगी, स्लाइड करती हुई आएगी, बिल्कुल भी रोल नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? बोल तो सही रहा है, उसको टॉर्क नहीं मिलेगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इन्होंने, जब कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी, जब बॉडी घूम रही है, घूमने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर फोर्सेस अगर मैं पूछूं कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, तो आप मेरे को तीन फोर्सेस का नाम तो अभी दोगे ही दोगे। पहली फोर्स क्या होगी? एम जी साइन थीटा। दूसरी फोर्स क्या होगी? एम जी कॉस थीटा। और तीसरी फोर्स क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन। यही दोगे? अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बताओ? एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल इसका सेंटर। अगर मैं ये पूछूं कि एम जी साइन थीटा कितना टॉर्क जनरेट कर रही है, आप क्या आंसर देंगे? जीरो। वो क्यों? क्योंकि एम जी साइन थीटा फोर्स एग्जैक्टली कहां पर एक्ट कर रही है? एक्सिस पे। तो अगर एम जी साइन थीटा फोर्स एक्सिस पे एक्ट कर रही है, तो फोर्स टॉर्क जनरेट करेगी? जीरो। अच्छा, एम जी कॉस थीटा फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगी? जीरो। वो भी तो एक्सिस पे काम कर रही है, क्योंकि एक्सिस से इसकी दूरी जीरो हो जाएगी, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क जनरेट करेगा? वो भी जीरो, क्योंकि वो भी सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो तीनों फोर्सेस एक्सिस में से पास कर रही हैं, तो उनका डिस्टेंस एक्सिस से जीरो रहेगा, टॉर्क जीरो रहेगा। तीनों की तीनों फोर्सेस टॉर्क जनरेट नहीं करवा सकती। राइट, क्लियर है यहां तक? और वैसे भी एन किसके इक्वल होगा? एम जी कॉस थीटा। और एम जी साइन थीटा बॉडी को क्या करवाएगी? स्लाइड करवा सकती है, नीचे लेके आ सकती है, लेकिन रोटेट नहीं करवा सकती, क्योंकि रोटेशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। तो एक बात तो पक्की है, इस क्वेश्चन में हर हालत में फ्रिक्शन तो एज्यूम करनी ही है, फ्रिक्शन तो है ही है। फ्रिक्शन के बिना टायर रोल नहीं करते, सड़कों पे फ्रिक्शन है तो टायर रोल करता है, अगर फ्रिक्शन ना हो टायर रोल ना करे। क्यों? ये देखो, इमेजिन करो आपके पास ये एक टायर है, और मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूं, ये मेरा फिंगर जो है मेरा एक्सिस है, ये रहा। सोचो अगर मैं कोई फोर्स ऐसे लगाऊं पीछे की तरफ टेंजेंशियल ऐसे, तो टायर कैसे घूम रहा है? आगे। तो हमारा भी तो टायर आगे रोल कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन, मेरा हाथ पीछे की फोर्स है, और यहां पर ये हाथ की जगह क्या आएगा? एफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रही है टेंजेंशियल, जो बॉडी को क्या कर रही है? टॉर्क जनरेट करवा रही है आगे। समझ में आ रहा है? तो कौन बॉडी को घुमा रहा है? फ्रिक्शन। क्लियर है? तो फ्रिक्शन ने टॉर्क कितना जनरेट किया? अगर मैं ये पूछूं, तो ये रेडियस आर है, ये एक्सिस है, तो आर इंटू एफ क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। तो आर इंटू एफ इज अ टॉर्क। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क नहीं है, तो फ्रिक्शन तो हर हालत में है ही है, वो दे या ना दे, एज्यूम्ड है कि फ्रिक्शन तो होनी होनी है, हालांकि चाहिए नहीं होती, बट एज्यूम्ड होता है। इसकी इसकी यू एप्लीकेशन कम है, क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेलरेशन के ऊपर है, इसका फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है उसके ऊपर एप्लीकेशन आने वाली है। बट हाँ, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन होगी जो टॉर्क जनरेट करे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन किस पे है? मेरा क्वेश्चन रोलिंग पे है। अब देखो, इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि मैं बॉडी को क्या करवा रहा हूँ? रोल। रोलिंग के अंदर मैंने क्या बताया था? रोलिंग बनी हुई है दो टाइप की मोशन से। पहली ट्रांसलेशन, पहली ट्रांसलेशन, दूसरी प्योर रोटेशन। रोटेशन ट्रांसलेशन की इक्वेशन मैथमेटिकली अगर बनेगी, तो वो हमेशा किस पे बनेगी? सेंटर ऑफ मास पे। क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन लेते हैं, हम बॉडी की शेप को कंसिडर करते ही नहीं, हमें करना क्या है? ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स फ्रिक्शन के अंदर हमने बॉडी की शेप कहां ली, तो हम अपनी इक्वेशन किस पे बनाते हैं? सेंटर ऑफ मास पे, बस। और लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लगता है इसमें? फोर्स। हम फोर्सेस लगाते हैं ट्रांसलेशन में, जब हम बॉडी को लीनियरली मूव करवाते हैं, स्ट्रेट मूव करवाते हैं, हमें टॉर्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फोर्स। लेकिन जब प्योर रोटेशन की इक्वेशन बनती है, उसमें फोर्स की जगह हम क्या निकालते हैं? टॉर्क। तो समझ में आ रहा है? तो दो इक्वेशंस अगर मैं निकाल दूं, पहली इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसलेशन की, और दूसरी रोटेशन की टॉर्क लगा के, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? रोलिंग की। तो रोलिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, समझ में आ रहा है? तो करके देखते हैं कैसे सॉल्व होती है, ध्यान से देखना। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। क्या एक्सेलरेशन है?
तो डायग्राम मेरे ख्याल से क्लियर है, एम जी एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एफ एंड एन सब क्लियर है। अब पहली क्वेश्चन किस पे लग रही है, ट्रांसलेशन। जब मैं बोलूंगा ट्रांसलेशन तो शेप मैटर नहीं करती, शेप मैटर नहीं करती। तो आप ऐसा भी ले सकते हो ट्रांसलेशन में, शेप क्या करनी है आपने, आप सिंपल एक पॉइंट ले लो, बस पॉइंट मास है, जिसको नीचे कौन लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ क्या फोर्स एक्ट कर रही है, एफ। आपको टॉर्क लेना नहीं है, शेप लेनी नहीं है, बस आप ये बोलोगे एम मास नीचे आ रहा है, बात खत्म। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा नीचे की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और किसकी एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, क्योंकि जो मास है एम वो मास किसका है, पूरी बॉडी का मास है, जो कहां पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें मैं यही बोल रहा हूं, नोट लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किस में होता है, ट्रांसलेशन मोशन में होता है। क्लियर है पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे, रोटेशन की। रोटेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स नहीं लगता, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क लगता है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अभी बताया मैंने, ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, इसका मान लो मोमेंट इनर्शिया आई है, तो एक फोर्स जो नीचे लेके आ रही है mg sin थीटा, पर ये टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद एक्सिस पे एक्ट कर रही है, क्योंकि एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर पे, और ये फोर्स भी सेंटर पे है, तो कोई टॉर्क नहीं है। और एक फोर्स है एफ जो टॉर्क जनरेट करेगी, कितना टॉर्क जनरेट करेगी, आर इंटू एफ। तो टॉर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना जनरेट कर रही है, आर इंटू एफ। लेकिन टॉर्क का एक और फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, आर आई टाइम्स एल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। देखो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम, नॉर्मल रिएक्शन पुट नहीं करना होता है इसमें, आप फोर्स निकालो, फ्रिक्शन निकालोगे टॉर्क की हेल्प से। इस फ्रिक्शन की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, जब पुट करोगे तो आपके पास यही क्वेश्चन आएगी। अब मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होता है, आर एल्फा। तो एल्फा को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय आर। तो इस एल्फा को यहां पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इस टर्म को राइट लेके जाएंगे, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की ये टर्म आएगी, और इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ये टर्म आएगी। अब ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी, तो इन जनरल मोमेंट इनर्शिया को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर, एम 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 कैंसल, तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास जब कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आती है इंक्लाइन प्लेन पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब आपके पेपर में क्या आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये आता है कि डराइव करो एक सॉलिड स्फीयर की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी जब वो रोल करता हुआ इंक्लाइन प्लेन से नीचे आएगा। हो सकता है कि इसी स्कूल में आ जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो रोलिंग में, लेकिन बॉडी वो क्या दे दे, डिस्क दे दे, किसी स्कूल में रिंग दे दे, किसी में सिलेंडर दे दे, पता नहीं क्या देगा। यहां तक तो आपने सेम ही करना है। अब जो भी आपके पेपर में आएगा, मान लो किसी में रिंग आ गई, तो रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या किया था, वन, तो एंड में वन पुट कर देना, आंसर आ गया। अगर किसी को आता है डिस्क, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का क्या है, हाफ, हाफ पुट करके आंसर। और किसी का आ गया सॉलिड स्फीयर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, 2/5, सॉलिड स्फीयर का एक्सप्रेशन आ गया। ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन गिवन होगा। तो आप एक अपने फॉर्मूला बुकलेट में ये फॉर्मूला नोट करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम में आप एक बॉडी को रोल करता हुआ दिखाएं और दिखाएं कि अगर कोई बॉडी नीचे रोल करती हुई आ रही है, रोलिंग हो रही है, और रोलिंग के अंदर ये रोल करती हुई नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसे नोट कर ले प्लीज़।